सारा गेम सिर्फ 2 मिनट का है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो का लिंक डालना है YT स्टूडियो पे और बिलीव कर लो, यहाँ पर प्रूफ देख लीजिए, 1085 सब्सक्राइबर सिर्फ 2 मिनट में पूरे होंगे। जो माइका लाल बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता ना, आइए प्रूफ दिखाते हैं। आइए, तुम लोगों को लगता है कि यहाँ पर बैठ करके हम तुमको सिर्फ बेवकूफ बना रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है। वीडियो का लिंक डाल दोगे ना YT स्टूडियो पे, बिलीव कर लो, 1085 सब्सक्राइबर सिर्फ 2 मिनट में पूरे होंगे। और मैं साला डंके की चोट पे खड़ा होकर कहता हूँ, जो माइका लाल मेरी बात को गलत प्रूफ करके दिखा देना, कसम से कह रहा पूरा यूट्यूब बंद कर देंगे। लिंक डालना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ लिंक डालना है बस। YT स्टूडियो में इधर आइए, दिखाते हैं, इधर आइए, इधर दिखाइए, कुछ नहीं करना है। जो YT स्टूडियो है ना, यहाँ पर इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक सीक्रेट जगह मिलेगी, जहां पर आप अपने वीडियो का लिंक डालेंगे, बस कुछ नहीं करना, लिंक डालना है। और जैसे ही आप लिंक डालेंगे, आपका 1085 सब्सक्राइबर सेकंडों में कंप्लीट हो जाएगा, बिलीव कर लो। सालों साल लग गए, सालों साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हो, लेकिन आज तक सरू तुमने 1000 सब्सक्राइबर अपने नहीं पूरे किए, कैसे कर पाओगे? जब सही तरीका पता चलेगा ना, आज की वीडियो में बताऊंगा लिंक डाल के कैसे 2 मिनट में 1085 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने। चलिए आइए, एक एक चीज बिल्कुल सही तरीके से। अरे यार क्या कर रहे हो? अरे झूठ ना बोलो, सही तरीका। काला काला छोड़ो, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? YT स्टूडियो में ये कैसे बनाना है भैया? लिंक डालने की बात बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर कर रहे हैं, कह रहे हैं, उन्हीं की बात हम रिपीट ही तो कर रहे हैं। क्या तुमको क्या दिक्कत, क्या है, क्या बताना, क्या है? मेरे में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भैया लिंक डाल करके कभी जिंदगी में यूट्यूब पर 1085 सब्सक्राइबर पूरे नहीं किए जा सकते, इसलिए तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तरीका जानना है? हाँ। सही तरीका जानना है? हाँ। इधर जाइए, साइड पे जाइए, देखिए पूरा वीडियो। तरीका क्या है यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाने का, सही तरीका बताऊंगा जेन्युइन। क्योंकि आज की डेट पर बड़े बड़े यूट्यूबर आपको क्या बता रहे हैं, भैया YT स्टूडियो पे जाइए, लिंक डालिए और भैया आपका 1085 सब्सक्राइबर हो जाएगा। कोई क्या सिखा रहा है, गूगल पे जाइए, लिंक डालिए, 1085 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। इधर सुनो भैया, अगर इस तरीके से सब्सक्राइबर पूरा होता ना, तो हर इंसान आज की डेट पर यूट्यूबर बन चुका होता। भैया 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना ना बच्चों का खेल नहीं है, जो तरीका सीखता है उसके पूरे होते हैं। हमने अपने चैनल पर, इधर दिखाइए, 1000 नहीं 30000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। और जरा दिखा दीजिए यहां पर, ना कोई स्टूडियो, ना कोई कुछ, कोई चीज नहीं है मेरे पास में, कोई स्टूडियो नहीं है। देखिए घर पर वीडियो बना रहा हूं, और घर पर वीडियो बना करके मैंने अपने 30000 की कंप्लीट की है फैमिली। कैसे की? तरीका लगाया, और वही तरीका तुमको आज बता दूंगा। और जिस बंदे ने मेरी बात को कायदे से समझ लिया, अपने चैनल पर अप्लाई कर दिया, किसी लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ढकोसले की जरूरत नहीं पड़ेगी, तरीके से सब्सक्राइबर पूरे होंगे। जानना है, तीन चीजें सिर्फ बताऊंगा, सिर्फ तीन चीजें अगर तुमने अपने चैनल पे कर ली, साला जिस माइका लाल के दम हो तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने से रोक के दिखाए, नहीं रोक पाएगा। क्योंकि तरीका वो बताने वाला हूं जो जेन्युइन तरीका है, जिसको मैंने खुद अपने चैनल पे अप्लाई किया है, तब जाकर के आज 30000 की फैमिली मेरी कंप्लीट हुई है। जानना है क्या तरीका है? आइए जानते हैं, आइए बैठ जाइए, सिखा देते हैं कायदे से। पहला तरीका कायदे से सुन लेना, अगर रियल में तुमको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, पहला तरीका है ट्रेंडिंग वीडियो पे काम करो। अब तुम्हारे पास क्या है, तुमको दिमाग ही नहीं, दिमाग से तो पैदल हो, बुद्धि है नहीं भी पैसा की, चल दिए यूट्यूबर बनने, तो तुमको समझ ही में नहीं आता कि ट्रेंडिंग टॉपिक को कैसे अपने कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए तुम क्या करते हैं, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है, फट से उस टॉपिक पर वीडियो पेल देते हो और अपनी कैटेगरी भूल जाते हो। सबसे बड़ी गलती है, अगर तुमको यूट्यूबर बनना है तो ट्रेंडिंग टॉपिक को अपने कैटेगरी में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। अब ये कोई सिखा नहीं सकता, ये तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए कि किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक को तुम अपने कैटेगरी पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। समझ गए? जैसे कि मान लीजिए
इस समय होली का त्योहार होता सपोज दैट, तो मैं अपने कैटेगरी में कैसे होली के ट्रेंडिंग टॉपिक को अपने कैटेगरी में कन्वर्ट करता। मैं लोगों को बताता कि देखो दोस्तों होली का त्योहार है, इस समय पर आप लोग होली पर वीडियो बना करके लाखों रुपए कमा सकते हो, इस टॉपिक पर वीडियो बना देता। और चूंकि ट्रेंडिंग होता होली, इसलिए वो वीडियो वायरल होता। तो ये बात ध्यान रखना कि तुमको ना ट्रेंडिंग टॉपिक को अपने कैटेगरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और अगर तुम ये करने में सक्सेसफुल हुए तो मेरे भाई याद रखना, जब कोई इंसान ट्रेंडिंग टॉपिक पे लगातार काम करता है ना, तो भैया उसके वीडियो तड़फड़ वायरल होते हैं। और यही एक तरीका है आज की डेट पर यूट्यूब पर ग्रो होने का। बात समझ गए? पहला तरीका, ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करना है और अपनी कैटेगरी में उस ट्रेंडिंग टॉपिक को कन्वर्ट करना है। जैसे तुम मान लो होली चल रही, तुम कुकिंग का वीडियो बनाते हो, तो होली से रिलेटेड कुछ कुकिंग का कुछ रेसिपी बना दो और अपने टाइटल पे यूज कर दो होली शब्द, अपने डिस्क्रिप्शन पे यूज कर दो होली शब्द, अपने टैग पे यूज कर दो होली शब्द। इससे क्या होगा, तुम्हारा वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक पे हो जाएगा। अब चूंकि होली ट्रेंडिंग में चल रही है, इसलिए आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस हो जाएंगे। तो पहला तरीका तुमको मैंने बता दिया, ठीक है? अब दूसरा तरीका समझो, तीनों तरीके लगाने जरूरी है, ये ना सोचो कि एक ही तरीके से काम हो जाएगा। अभी दूसरा तरीका समझो, फिर तीसरा बताता हूं। अपनी कैटेगरी के, याद रखना, सुन लेना कान खोल के, अपनी कैटेगरी के बड़े यूट्यूबर जो है उनके एट द रेट करके उनके चैनल को अपने टाइटल पर मेंशन करना चालू करो। जी हाँ, बहुत सारे गधेड़े लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। नहीं, अगर रियल में अपने चैनल को ग्रो करना है, रियल में सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो अपने वीडियो के टाइटल पे एट द रेट करके अपने कैटेगरी के बड़े क्रिएटर को मेंशन करना चालू करो। मैंने खुद इसको ऑब्जर्व किया है, मेरे चैनल पे जब भी मैंने अपने कैटेगरी के किसी बड़े क्रिएटर को मेंशन किया है ना, तो मेरे वीडियो के इंप्रेशन ज्यादा गए हैं, मेरे वीडियो के व्यूज ज्यादा गए हैं। बिल्कुल सच बात है, समझ गए? दूसरा तरीका समझ गए? अब समझो तीसरा तरीका, अपने कैटेगरी के बड़े बड़े क्रिएटर, टॉप क्रिएटर के हैशटैग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, अपने वीडियो के टाइटल पे, ध्यान सुन लेना, नहीं सराउस बताना यहां, क्योंकि तुम सुनते कुछ नहीं हो, बस तुमको सब्सक्राइबर पेलम पेल चाहिए, बस सुनना कुछ नहीं, सीखना कुछ नहीं। तो ध्यान से सुन लेना, अपने कैटेगरी के बड़े क्रिएटर का हैशटैग अपने डिस्क्रिप्शन पे और अपने टाइटल पे यूज करना है। बात समझ गए? जब आप अपने कैटेगरी के बड़े क्रिएटर के हैशटैग अपने टाइटल पे यूज करते हो, तो यूट्यूब आपके वीडियो के इंप्रेशन बढ़ाता है। बात समझ गए? क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है, जब तुम अपने वीडियो के टाइटल पे किसी बड़े क्रिएटर का हैशटैग यूज करते हो, तो यूट्यूब उस वीडियो को एक अलग कैटेगरी में डाल देता है और ऐसी कंडीशन पे आपके वीडियो के इंप्रेशन बढ़ते हैं, जो मैंने खुद अपने चैनल पे अप्लाई किया है। आप लोग देख लीजिए, मैं अपने वीडियो के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में हैशटैग यूज करता हूं अपने बड़े क्रिएटर के, और जो भी ग्रोइंग चैनल है सभी करते हैं। समझ गए? ये तीसरा तरीका तुमने अगर लगा दिया, इन तीनों तरीकों को अगर तुमने चला दिया, तो किसी फरेब की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमको भैया किसी लिंक की जरूरत पड़ेगी वाइट स्टूडियो में डालने के लिए, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीका जो है वो मैंने बता दिया, इसके सिवा कोई तरीका नहीं है, कोई माइका लाल कुछ भी बता दे, लेकिन तरीका यही है अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने का। बाकी भैया तुम खुद इतने बुद्धिमान हो कि तुमको किसी की सुननी नहीं है, तुमको खुद सब पता है। उम्मीद है वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूट्यूब पर कैसे तुमको जेन्युइन तरीके से ग्रो होना है ये मैं तुमको सिखाता हूं। आज की वीडियो भी बस इतना ही, मैं तुमको मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।